उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अनाधिकृत वाहनों से हूटर व लाल नीली बत्ती चिन्ह आदि हटवाने के निर्देशों के क्रम में मुरादाबाद जनपद में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनपद में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर अनाधिकृत वाहनों पर लगे हूटर व लाल नीली बत्ती को और वाहनों पर लगे चिन्हों को हटाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए गए निर्देश के बाद मुरादाबाद पुलिस सड़कों पर उतर आई है और वाहनों पर अवैध रूप से हूटर और सायरन का इस्तेमाल कर हुड़दंग करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर अनाधिकृत वाहनों पर लगे हूटर लाल व नीली बत्ती व चिन्हों को उतारने का काम कर रही है, साथ ही चालान की प्रक्रिया भी की जा रही है। इस अभियान के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि लाल नीली बत्ती हूटर सायरन और केवल जो इमरजेंसी वाहन है जैसे कि एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आदि के लिए ही अधिकृत है। यदि इसके अलावा किसी भी वाहन पर अनाधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती हूटर सायरन लगे हुए हैं, खासकर उन लोगों की प्राइवेट गाड़ियों में जो हूटर सायरन का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि जो बीकन है, जो पुलिस बीकन होती है, जो मल्टी कलर वाली, रेड और ब्लू वाली, और इसके अलावा जो हूटर और सायरन का प्रयोग है, वो केवल इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, उन्हीं पर अलाउ हुआ है, जैसे कि एम्बुलेंस है और इसके अलावा जो पुलिस व्हीकल्स हैं, फायर सर्विसेज की गाड़ियां हैं। इसके अलावा यदि इस तरह के कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति जो कि इसके लिए ऑथराइज नहीं है, और विशेष तौर से जो लोग प्राइवेट व्हीकल्स में हूटर सायरन का और प्रेशर हॉर्न का यूज करते हैं, उन सबके विरुद्ध एक अभियान 13 तारीख से चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसमें सभी को जो लोग इसके लिए ऑथराइज नहीं है, उन सब के लिए मेरा यह कहना है कि इस तरह की चीज़ों का उपयोग न करें, और यदि इस तरह की चीज़ें पाई जाती है चेकिंग के दौरान में, तो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है वो और जो बाकी जो थानों की जो पुलिस है वो इस अभियान में कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और इसमें उनका चालान भी किया जा रहा है और इन सब चीज़ों का।